पहचाना आपने इसको? पहचाना? बालाकोट के जो मशहूर तरीन कबाब है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारा सफ़र जारी है बालाकोट की तरफ और ये हम लोग इस वक्त गुजर रहे हैं न्यू बालाकोट से, जो कि जलजले के बाद गवर्नमेंट ने आबाद होने के लिए एक नई जगह दी बालाकोट के रिहायशियों को और इंशाल्लाह आने वाले फ्यूचर में बालाकोट में यहाँ पे आबादी होगी। बाकी इस व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे कुछ यहाँ की बालाकोट की अच्छी जगहें विज़िट करने के हवाले से और खाने पीने के हवाले से, कहाँ कहाँ जाना है और क्या क्या खाना है। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है, खैरियत हैं आप लोग? अच्छा जी, अभी हम लोग पहुंच गए हैं बालाकोट में और बालाकोट के जो मशहूर तरीन कबाब हैं वहाँ पे इस वक्त हम लोग खड़े हुए हैं। ये हमारे साथ फराज भाई हैं, यहाँ पर उनको देख लें गौर से, ये मौजूद है, समझ लें आपका काम हो गया है। ये कबाब जो है ना, ज़रा करीब से भी हम आपको दिखाते हैं कि क्या क्वालिटी है। तकरीबन 45 से 50 साल हो गए हैं इनको यहाँ पर, और जो भी आते हैं बालाकोट में तो ये कबाब लाजमी खाते हैं। सबसे बेहतरीन कबाब है यहाँ का भैया, कबाब है, डाल दिया कबाब, डाल दिए सर, आप कबाब कह रहे हैं डाल दिए है और इंशाल्लाह थोड़ी देर में बाहर आने वाला है कबाब तैयार हो। ये आप बताएं इनको, ये तैयार हो रहे हैं कबाब भैया जी। कबाब का मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि कबाब जो है वो नरम होना चाहिए और गर्म होना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम आपको, हम तो खाते रहते हैं लेकिन हम आपको बताते हैं कि किस तरीके का कबाब है, ठीक है ना जी। बाकी ये दिखाते हैं आपको थोड़ा सा बाजार बालाकोट का, जब तक कबाब तैयार हो रहा है तो आप बाजार को देखें, थोड़ा सा इन्जॉय करें। मौसम बेहतरीन है, सर्दी है और सर्दी में जो है ना कबाब खाने का सही मज़ा है। अच्छा जी, फाइनली कबाब आ गए हैं, क्रिस्पी और सॉफ्ट, और चटनी तो आप इसके साथ देख ही रहे हैं, क्या खूबसूरत मज़ेदार चटनी है। तो चलें कबाब इंजॉय करते हैं, तब तक फिर आगे देखते हैं और क्या है। चपली कबाब खा लिए, ठीक है, लेकिन बालाकोट में मौसम इतना ज़बरदस्त हो रहा है इस वक्त कि इस पर नज़र पड़ी और फिर भूख लगता है, और साथ में इधर आओ, जरा करीब आए आप, ये देखिए जरा ये क्या है, कड़क जलेबी है, ढाप के रखा हुआ ताकि मक्खियाँ शक्खियाँ ना आए, थोड़ा जलेबी चेक करते हैं। वाह, गरम गरम जलेबी, मज़ा आ गया। क्या नादी साहब, क्या नाम है सर? मोहम्मद इलियास साहब है, बालाकोट के मेन बाजार में बैठे हुए। कब से हैं यहाँ पे भैया? माशाल्लाह 15-20 साल से हैं यहाँ पे, और समोसा इनका हमने खाया है, कोई लाजवाब समोसा है। ये देखें आप, अगर हम आपको दिखाएं समोसा, ये देखिए बेहतरीन समोसा। समोसे तो आपने बहुत खाए होंगे लेकिन इनका समोसा जो है ना वो बड़ा स्पेशल किस्म का समोसा है। एक चीज़ और दिखाना भूल गया, पकौड़े, ओ बेहतरीन पकौड़े। शाम का टाइम है, चाय के साथ खाएं, धुआं उठ रहा है, गर्म हो रहे हैं, गरम गरम आए हैं, ठीक है भाई, फिर मिलते हैं आगे। सर्दी का मौसम हो और साथ में मूंगफलियां हो तो क्या बात है। अच्छा जी, तो फिर पूरा दिन हम स्पेंड करके फाइनली पहुंच गए हैं होटल, और
देख रहे हैं आप, सनसेट का टाइम है, शाम का टाइम है, बहुत ही पीसफुल जगह है बालाकोट। आप स्टे के लिए आए यहाँ पे, 2 से 3 दिन स्टे करें। अच्छी बात यह है बालाकोट की कि एक सेंटर है बिल्कुल, यहाँ से आपने किसी भी जगह पे जाना है तो नियर बाय आपको काफ़ी पॉइंट्स मिलते हैं। अच्छा भाई, अभी 3 ये है कि बालाकोट में हम मौजूद हैं, सुबह का टाइम हो रहा है, नाश्ते के लिए बोला हुआ है, नाश्ता आने वाला है और शुक्रान के लिए निकलना है। अभी शुक्रान जाते हैं, वहाँ जाकर कुछ फुल करते हैं। सिर्फ अभी रास्ता कुछ इस तरीके से है कि शुक्रान में जो है वो रास्ता 3 पाए तक जाने का रास्ता नहीं है, ठीक है। तो अभी हम लोग पहुँच पाएंगे सर शुगरान वैली तक और फिर उससे आगे इंशाल्लाह फिर आपको फिर अपडेट करते हैं कि क्या सिनेरियो है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ये हम बालाकोट के बाजार में मौजूद हैं और आपसे मैंने एक जिक्र किया था पहले मामा होटल का, यहाँ के मशहूर ज़माना होटल है। यहाँ के पाए, यहाँ के चने और यहाँ के नान बहुत ही ज़बरदस्त है। अच्छा, जो नान है ना वो बेसिकली नान नहीं है, वो कहलाते हैं यहाँ के आपका तंदूरी पराठे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ के आपको दिखाता हूँ कि पाए किस तरह के और चने किस तरह के। आप बालाकोट आए हुए हो तो लाजमी आप इसको ट्राई करें, रिकमेंडेड है मेरी तरफ से 100 out of 100, ठीक है। आए आपको लेके चलते हैं। हाँ जी, अच्छा अभी हम मौजूद हैं इस वक्त बालाकोट के बाज़ार में। अगर आप यहाँ पे बालाकोट पे आपका आना हो तो एक है यहाँ पर मामा होटल, मामा होटल की वेबसाइट पे आप आ जाएंगे तो यहाँ पर बड़ा ही कोई अच्छा बाज़ार है, जो यहाँ के लोकल होते हैं, यहाँ से सारी शॉपिंग वगैरह उनकी यहीं से होती है, ठीक है। तो बड़ा अच्छा ट्रेडिशनल बाज़ार है यहाँ का, और अगर अब आपको आगे लेकर चलेंगे तो दिखेगा आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन फ़िलहाल हम मामा होटल पर हैं जिस पर हमने नाश्ता ऑर्डर किया हुआ है, पाए चने और तंदूरी नान, सॉरी तंदूरी पराठा कहते हैं उसको एक्चुअली। आपको दिखाते हैं तंदूरी पराठा कैसा होता है, ताकि आप यहाँ पर आएँ तो लाजमी मामा होटल पे आप आएँ और यहाँ आके नाश्ता करें। चलें फिर आगे चलते हैं। अच्छा जी, ये है वो तंदूरी पराठा जिसका मैं आपको जिक्र कर रहा था। इतना सॉफ्ट और इतना क्रिस्पी है ये कि आप मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है जी। ये बिल्कुल आपका मामा होटल के साथ ही बना हुआ है, और आप मामा होटल के चने खाएँ और साथ में जो है इनके तंदूरी पराठे खाएँ तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। इसका मतलब आपने बालाकोट में आके अमर हो गए, ठीक हो गया। आए आपको चने और पाए दिखाते हैं। ये हैं जी स्पेशल पाए बाबा जी के, दिखाएं जी पाए दिखाने। स्पेशल पाए हैं भाई, खाने वाले हैं आगे। अंडा अपने साथ लेकर आए, चने में डालें और खाएं। ये जी इनके चने स्पेशल, आप देख रहे हैं कितनी थिक ग्रेवी। अच्छा, अच्छे चनों की भी आपको बता दूं, अच्छे चनों की पहचान ये क्योंकि ग्रेवी जो है ना वो थिक होनी चाहिए, गाढ़ा होना चाहिए। जो पतले चने होते हैं ना पानी के साथ, उसका काम नहीं है आपका, आपको समझ भी नहीं आएगा इसको पीना है या खाना है। ये है खाने वाले चने, ठीक है। ये हमारे मामा होटल है, नाश्ता करें कम से कम 2-2 जाके आप नान खाएं और साथ में पाए खाएं, मज़ा आता है। चाय भी इनकी स्पेशल है, चाय जो है ना वही है जो मैं आपको बताता हूँ जी। हमारा होटल तकरीबन ये 1995 से हमारे वालद साहब के नाम से जो है ना मशहूर है, मामा मामा जो है ना उनको बोलते हैं लोग प्यार से। अच्छा, उनको फिर मामा होटल के नाम से ये मशहूर है। तो इंशाल्लाह लोगों की खिदमत कर रहे हैं हम अच्छी नीयत से, अच्छे अखलाक के साथ इंशाल्लाह।
डाउन कर दिया तो फिर दिखाना पड़ेगा इनको। ये देखें सर, इधर करीब आए, पहचाना आपने इसको? पहचाना, ये वही है जिसके बारे में मैं आपको कब से बता रहा हूँ, बता के थक गया। लाइट ब्राउन और डार्क येलो, ठीक है ना, ये हमें यहाँ पे भी मिल गई है इस वक्त बालाकोट के अंदर, ठीक है जी। तो बालाकोट में मामा होटल पे आए तो लाजमी आपने ये लाइट ब्राउन डार्क येलो ट्राई करनी है। लेकिन इसके बाद एक चीज़ और भी बड़ी अच्छी मिलती है यहाँ पे, वो है यहाँ के तंदूरी पराठे, ठीक है, वो ज़बरदस्त हैं। और पाए जो है ना इसके लाजवाब हैं, लेकिन आपको आना पड़ेगा टाइम पे, क्योंकि वो ख़त्म हो जाते हैं, मुक जाते हैं। और अगर बालाकोट में आपको कोई अच्छी मूड बन जाए और शादी वादी का इरादा बन जाए तो यहाँ पर ही आपको 10-10 वाले हार के नोट भी मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो मौजूद है यहाँ पे, बंदोबस्त पूरा है, आप अपना इरादा करें, बाकी इंशाल्लाह अल्लाह आपकी मदद फरमाएंगे। लाइट ब्राउन डार्क येलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग ट्रैवल विद इमरान शाह। फॉर मोर अमेजिंग वीडियोज सब्सक्राइब अवर चैनल।